वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की। लिस्टिंग में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं और ये मिक्स होती हैं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों की आपको लिस्टिंग मिलेगी। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस या बीओ या फिर आरओ या आरओ या फिर पीसीएस में भी, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या राजस्थान हो या यूपी हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम बात करें आरओ या आरओ की तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह वनस्पतियों का वर्गीकरण। देखिए दुनिया में बहुत तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं और पेपर में खूब पूछता है, खासकर ये मैग्रोव वाली तो अक्सर करके पूछ लेता है कि समुद्री नमकीन पानी में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, या फिर ऐसे आ जाता है कि हेलोफाइट क्या है, इस तरीके से भी आ जाता है। तो जैसे एग्जाम में पूछे वैसे आप आंसर करिएगा, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ के कवर कर लो। तो देखते हैं, देखिए पहला यहाँ पर है ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट क्या होते हैं? तो देखो ट्रोपोफाइट होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियों को कहते हैं ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय का मतलब हो गया ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बारिश, सीधी बात है ये, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो उष्णकटिबंध होता है, यहाँ की वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। दूसरा है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है? जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो जल की ऊपरी सतह पर उगती हैं, जैसे एग्जाम्पल के जलकुंभी, आपने नाम सुना होगा जलकुंभी का, तो वो क्या है? वो हाइड्रोफाइट है, जल के ऊपर उगती है। तीसरा इसमें हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट क्या है? तो शायद आपने विज्ञान में पढ़ा हो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, एक ऐसी युक्ति जो आर्द्रता को मापती है उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। और ये है हाइग्रोफाइट, यानी अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है, ध्यान रखना। अधिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब उमस, जहाँ वातावरण में नमी ज़्यादा रहती हो, ठीक है, वहाँ हाइग्रोफाइट उगेंगे। जेरोफाइट क्या है? जेरोफाइट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जहाँ पर पानी की बेहद कमी है, ऐसे क्षेत्रों में उगती है जेरोफाइट। जेरो को आप ऐसे समझ लो जीरो, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो वहाँ पर जीरोफाइट या जेरोफाइट वनस्पतियाँ उगती हैं। मेसोफाइट कहाँ उगती है? मेसोफाइट उगती है उष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ, ठीक है। मेसोफाइट कहाँ उगेगी? उष्णकटिबंधीय जो टैगा वनस्पतियाँ होती हैं वो मेसोफाइट होती हैं। फिर एक क्रायोफाइट। क्रायोफाइट की हम बात करें तो शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ जैसे लाइकेन और काई जो है क्रायोफाइट होती हैं। देखो क्रायो को आप समझ लो, क्रायो का मतलब ही होता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, है ना। जैसे आपने इसरो या नासा में सुना होगा कि ये लोग रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष में जब आप जाते हो तो टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर ये लोग क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करते हैं जो कि सब जीरो टेम्परेचर में भी अच्छे से काम कर पाए। तो क्रायो अगर वर्ड आ गया तो समझ लो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की बात यहाँ पर हो रही है। तो और क्रायोफाइट की हम बात करेंगे तो ऐसी वनस्पतियाँ जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में उगेंगी, यानी लाइकेन और काई, जो बहुत ही ठंडे इलाकों में उगती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। फिर है हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या है? हेलोफाइट उगेगा नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ, जो समुद्र के किनारे जो इकोसिस्टम होता है, जैसे मैग्रोव वन होते हैं यहाँ पर। जैसे क्या होता है, यहाँ पर समुद्र का पानी जमीन के साथ मिलता है तो दलदली इलाका बनाता है। इस दलदली इलाके में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं जिन्हें मैग्रोव कहा जाता है। इंडिया में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और जो सबसे फेमस मैग्रोव का एग्जाम्पल है साथियों वो है सुंदरबन। आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना, सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन जो है एक मैग्रोव वनस्पति का उदाहरण है और वहाँ पर जो वनस्पति उगती है उसको हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। फिर है लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या है? लिथोफाइट को आप समझ सकते हो लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, ठीक है ना। तो कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को लिथोफाइट कहते हैं। फिर है पायरोफाइट। पायरोफाइट ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो आग के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, यानी ये आग को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है केला। केला को अगर आप कभी जलाओगे तो केला कभी जलेगा नहीं, क्योंकि केले में लकड़ी नहीं होती है तो आप उसे जला नहीं सकते। दूसरा एक हमारे यहाँ लोकल वनस्पति भी है जो ब्रज क्षेत्र के हैं वो इसको अच्छे से पहचान पाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं अंडौआ, नाम थोड़ा सा अजीब है बट है तो है, क्या करें, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका कुछ और हो सकता है लेकिन हम इसको लोकल नाम से इसी नाम से जानते हैं, अंडौआ। अंडौआ को जब आप जलाओगे तो अंडौआ भी नहीं जलेगा क्योंकि वो भी केले की तरह ही होता है।
तो अगर मतलब अगर कहीं जंगल में मान लीजिए आग लग रही है और बीच में जो है केले की एक पंक्ति है, तो आग वहीं रुक जाएगी क्योंकि वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ऐसी वनस्पतियों को बोलते हैं हम लोग पायरोफाइट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, इसी के साथ ये भी देख लो, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसी के साथ ही देख लो। जैसे कुछ महत्वपूर्ण कृषि संस्थान है जिनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर है? रोम में है, इटली में। कई बार पेपर में आ चुका है FAO, बहुत बार पेपर में आ चुका है। स्थापना 1945 में इसकी हुई, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कई बार पेपर में आया भाई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संगठन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आबादान, नाइजीरिया में। और लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये है पेरू की राजधानी लीमा में। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो, खासकर ये वनस्पति वाला। अच्छे से इसको विजिट कर लेना, एक आध दो बार देख लेना, नोट्स बना लेना, यहाँ से पेपर में आपको सवाल मिल सकता है अपकमिंग RO और BO के एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।